सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का नया पाठ करेंगे, पाठ 9, दादाजी की बगिया। रोहन के दादाजी को बागवानी का बड़ा शौक है। रोहन के घर के पिछवाड़े थोड़ी सी कच्ची जमीन है। दादाजी ने वहाँ छोटी सी बगिया बनाई है। दादाजी की इस बगिया में तरह तरह के पौधे लगे हैं। इनमें से कई फूल वाले पौधे हैं, कई पौधों से सब्जियां मिलती हैं। दादाजी की बगिया में गुलाब, मोगरा, चंपा, रात रानी, सूरजमुखी, गेंदा आदि ढेर सारे फूल वाले पौधे लगे हैं। वे इन फूलों की बड़ी चाव से देखभाल करते हैं। उन्हें फूल तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कलियों को तो वे किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। हाँ, नीचे गिरे हुए फूलों को उठाने की अनुमति रोहन को मिल जाती है। रोहन रोज सुबह बगिया में गिरे हुए फूल इकट्ठे करके दादी को देता है। दादी उन फूलों को भगवान को चढ़ाती हैं। दादाजी बगिया में ढेर सारी सब्जियां भी उगाते हैं। लौकी, तोरई, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, अदरक और पालक भी उगाते हैं। दादाजी बगिया की देखभाल जी जान से करते हैं। समय पर पौधों को पानी देना, मिट्टी की गुड़ाई करना, खाद डालना, ये सारे काम दादाजी शौक से करते हैं। कभी कभी बगिया में माली भैया भी आते हैं, जो पौधों की जांच करते हैं, उनकी कटाई छटाई करते हैं। रोहन तो माली भैया को पौधों का डॉक्टर कहता है। छुट्टी के दिन रोहन भी दादाजी के साथ बगिया में काम करता है। बगिया की गीली मिट्टी से वह छोटे छोटे खिलौने भी बनाता है। जब उसके किसी मित्र का जन्मदिन होता है तो वह उसे पौधा ही भेंट करता है। दादाजी कहते हैं, पौधे से अच्छा उपहार कोई भी नहीं है। यह हमेशा बना रहता है और दूसरों को भी लाभ देता है। धन्यवाद।